सावनेर शहर के वार्ड क्रमांक 9 चिजपुरा में एक घर के बरामदे में रखे 3 दुपहिया तथा एक मारुति ऑल्टो को किसी अज्ञात ने रात करीब 3 बजे के दरमियान आग लगाने की घटना उजागर होने से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिजपुरा वार्ड क्रमांक 9 निवासी प्रणय विनोद चर्पे तथा उनके अन्य 2 किरायेदारों ने हमेशा की तरह रात में अपने वाहन निवास आग के बरामद रखे थे। वहीं 21 जुलाई की रात करीब 3 बजे के दरमियान किसी अज्ञात ने उन्हें आग लगा दी। पड़ोसियों को बरामदे से आग की लपटी उठी दिखाई पड़ते ही शोरगुल करने से प्रणय चर्पे तथा आसपास के लोग जागे होकर पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी। परंतु उस आग में घर मालिक प्रणय चर्पे की हीरो होंडा क्रमांक MH40E9513 कीमत अंदाजन 12,000 रूपए, किरायेदार देवानंद धांडोड़े की होंडा शाइन क्रमांक MH40AZ8933 कीमत 30,000 रूपए, किरायेदार रामचंद्र जैन की मारुति ऑल्टो MH40A6657 कीमत 1,00,000 रूपए तथा एक्टिवा क्रमांक MH40CG9054 कीमत 40,000 रूपए, ऐसे चारों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी सावनेर पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच जारी। शहर में लगातार बढ़ती चोरियों की घटनाओं से पहले ही शहरवासी दहशत में हैं और ऐसे में अब घर के बरामद रखे वाहनों को जला देने की घटना ने स्थानीय पुलिस की रात्रकालीन गश्त पर सवालिया निशान लगा दी है। सावनेर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर थानेदार रविन्द्र मानकर के नेतृत्व में जांच आरंभ की है। मग आम्ही धावत आलो आणि ते विजवायचा प्रयत्न केला की अज्ञात व्यक्तीने जाळण्याचा असा काहीतरी प्रयत्न केला असं वाटतं। असं तर अजून शंका तर असं काही वाटत नाही, पण शोध केलं माहिती नाही। हे गलत आहे, किसीने जलाया है, इसके वजह से बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। पुलिस का जो रात को जो पेट्रोलिंग होती है वो बराबर नहीं है इसका मतलब। और वो देखो, शक तो अभी किसी पर है, बाहर का जो आदमी है उसके ऊपर शक है, उसने पकड़ना चाहिए उन लोगों ने, जो कि CCTV कैमरे में यहाँ से आधा किलोमीटर पर आए हैं 3:23:50 पर, उसके हिसाब से उन्हें वो चेक करना चाहिए। इन बिसेन न्यूज़ के लिए सावनेर से छवि राठौड़ के साथ किशोर ढूंढेली की रिपोर्ट।